एसोसिएशन ऑफ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE स्वीकृत कॉलेज ट्रस्ट के राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन आंध्र एसोसिएशन ऑडिटोरियम 24 से 25 लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली में हुआ, जिसमें पूरे भारत के एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्षों व कॉलेज प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ SV आर्या ने शिरकत की। बैठक में हिमाचल प्रदेश की तरफ से एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं A1 कॉलेज नूरपुर के चेयरमैन सूरज कांत ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक का आयोजन सरस्वती वंदना की धुन बजाते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि शहीदों व देश को याद करते हुए वंदे मातरम की धुन बजाई गई। बैठक में एसोसिएशन ने आने वाली समस्याओं को सामने रखा व कुछ सुझाव भी रखे। बैठक में आए हुए अलग अलग प्रदेशों के एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्षों ने बैठक में संबोधित करते हुए सरकार व विभाग के समक्ष रखी मांगों को पूरा करने व आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया। बैठक में हिमाचल प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सूरज कांत ने कहा कि केंद्र सरकार BEd कॉलेजों से सुतैला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के वराष्ट्र के 20,500 कॉलेजों को बंद करने का निर्णय ले रही है, वो कभी सहन नहीं होगा, चाहे उन्हें धरना प्रदर्शन क्यों न करना पड़े। जबकि इससे पूर्व एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SV वर्मा का कहना है कि नई शिक्षा नीति से कोई आपत्ति नहीं है, 2020 में BEd के DA कोर्सों को बंद कर दिया जाएगा। संघ का कहना है कि ठीक है इन कोर्सों को बंद कर दिया जाए, मगर इन कोर्सों के बदले 4 साल के कोर्स शुरू कर दिए जाएं। उनका कहना है कि लोगों ने जो पैसा खर्च कर कॉलेज बनवाए हैं, सरकार व विभाग की मांग पर आलीशान बड़े बड़े भवन बनाए हैं, आखिर वो लोग कहाँ जाएं? जरा सरकार व NCTE इनके बारे में सोचे। संघ का कहना है कि अगर सरकार ने यह निर्णय नहीं बदला तो संघ चुप नहीं बैठेगा। आज का जो अगर इनेक्ट की मीटिंग थी हमारी, ये नेशनल लेवल की मीटिंग थी और हिमाचल प्रदेश की तरफ से मेरे को ही मौका मिला था यहाँ को रिप्रेजेंट करने का। तो आज का हमारा मुख्य मुद्दा था जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2019 की, उसमें जो हमें बिल्कुल BEd कॉलेज जो सिंगल फंक्शनरी कॉलेजेस हैं उनको बाहर रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में हमने नेशनल लेवल की मीटिंग करके ये आज मुद्दा उठाया था। तो अब हम सरकार से ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमारे को बाहर क्यों रख रहे हैं, जबकि आप एक तरफ ये बोलते हैं कि BEd कॉलेजेस जो हैं इतने सालों से चले आ रहे हैं और अगर आप डिग्री कॉलेजेस को ये सब दे देंगे तो लाखों की संख्या में BEd कैंडिडेट निकलेंगे, उनको रोजगार कहाँ से देंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश में टोटल 70 कॉलेजेस हैं और पूरे इंडिया के अंदर हम बात करें तो 20,500 के करीब लगभग BEd कॉलेज फंक्शन कर रहे हैं इस प्रेजेंट में। अगर आप उन्हीं को ये सब कोर्सेज दे देते हैं तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सरकार के लिए भी बहुत अच्छा सुझाव होगा और हमारे लिए भी बहुत होता, क्योंकि हमने करोड़ों की बिल्डिंग्स बनाकर आज हमारे पास अगर आप हमें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो नई शिक्षा नीति में क्या जो BEd कॉलेज है उनको कोर्सेज बंद किए जा रहे हैं? हाँ, 2030 में ये पॉलिसी बना गई कि 2030 तक उनको बंद कर दिया जाएगा और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है डिग्री कॉलेज में शुरू कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, उसका हम कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। और ये हमने आज इस मीटिंग को, अगर हमने सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना तो ये आपने जैसे सुना ही है कि इस मुद्दे को हम यहाँ पे कहीं भी हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं कल को आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारी बातों को ऐसे नजरअंदाज ना करते हुए हमारी बातों को सुना जाए, एक बार बैठक करके सुना जाए और हमारे लिए कोई हल निकाला जाए। उनका काम है पढ़ाना, वो नहीं पढ़ा रहे, उनको काम एक है कि गाड़ी में अपनी पर्सनल गाड़ी में जाओ, खुद गाड़ी चलाओ और छोटी छोटी गाड़ियां हैं, 16 रुपए किलोमीटर का खर्चा नहीं आता, उसमें बचत पड़ती है हर बार उनको 20-30 हजार रुपए की एक रूपये, एक दिन में 2-3 कॉलेज निपटा देते हैं, ये आमदनी का सोर्स बना रखा है और सारे लॉ प्रोफेसर बनाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो NCTE में बैठे हैं ये बहुत बड़े बड़े मास्टर जो है ना सरकारी एजेंसी के सरकारी इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज का कोई एक आदमी सुनने की वहां बात नहीं सुनता है और वो अपने कानून बना रहे हैं और सेल्फ फाइनेंसिंग को अबॉलिश कर रहे हैं, जबकि 93% पार्ट हमारा। एक छोटा सा इशू है कि ITP प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, फोर ईयर ठीक, हम तैयार है पढ़ाने को, प्रश्न कहाँ है? इस बात का प्रश्न ही नहीं है। हम एक साल से तुमने 2 साल किया, हमने कुछ नहीं कहा, 2 से तुमने 4 कर दिया, हम तैयार है, फिर कहाँ क्वेश्चन कहाँ पर है? कोई क्वेश्चन है बताइए आप, जब ये बताओ हम दूर करेंगे उसको, तो दूर करेंगे, क्या प्रॉब्लम? ऑब्जेक्शन मांगिए आप, मास्टर प्लान में ऑब्जेक्शन। लाइफ टाइम्स TV के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।